2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चल रही है। ऐसे में हाल ही में सपा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें निषाद पार्टी की नेता काजल निषाद ने अखिलेश यादव के सामने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो देखिए फिर क्या हुआ। आज सम्मानित मंच पर सुशोभित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी एवं भावी मुख्यमंत्री जी एवं भावी प्रधानमंत्री जी एवं भावी प्रधानमंत्री जी श्रीमान अखिलेश यादव जी मंच पर विराजे, आदरणीय बड़े भाई अबुआसिम आजमी जी, आदरणीय बड़े भाई विशंबर प्रसाद निषाद जी, मेरे गूगल बाबा, मेरे गुरु आदरणीय तूफानी निषाद जी मंच पर विराजे, सभी सम्मानित गण, सभी पदाधिकारियों यहाँ पधारे, सभी सम्मानित साथियों, मीडिया के बंधुओं साथियों, जुझारू साथियों, सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, सोशल एक्टिविस्ट, चित्रकार, पेंटर, सामाजिक कार्यकर्ता और एक गृहिणी, सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं दुर्गा रूपिणी, सभी बहनों का भी मैं स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आज आदरणीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी आपका, कि आपने मुझे समाजवादी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का एक शुभ अवसर दिया है। और मैं वादा करती हूँ, ये वादा मेरा मोदी जी जैसा नहीं है, यकीन मानिए, मैं वादा करती हूँ कि ये जो नारा है ना 22 में बाइसिकल, ये काजल निषाद, मैं सभी साथियों के साथ वादा करती हूँ, सभी साथियों को लेकर, एकजुट लेकर, ये डोर टू डोर, घर घर, गली चौराहे, नुक्कड़ पर, हर विधानसभा में ये नारा हर बच्चा बच्चा बोलेगा। अध्यक्ष जी, ये मेरा वादा है आपको। और क्योंकि ये सरकार को तो आप जानते ही है, बहुत अच्छे से लताड़ने का काम हम भी करते हैं, और जितने अंधगंध भक्त है इनके, ये सब जो है बरनोल लिए घूमते हैं कि काजल जी है वो कुछ बोले ना, लेकिन इनको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम समाजवादी में आ गए हैं। और क्या है समाजवाद और क्या है समाजवादी, काजल निषाद और समाजवादी की विचारधारा बिल्कुल एक सी है कि जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात का भेदभाव नहीं, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जिसमें गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, जो सबको एक साथ लेकर चलता है, जिसमें लोकतंत्र का दर्शन होता है, जिसमें संविधान का दर्शन होता है, जिसमें समाज और सामाजिक दर्शन होता है, वो होता है समाजवादी और वो कहलाता है समाजवादी। और मैं एक कविता, क्योंकि मैं लिखती हूँ, कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी कि किस तरह की है ये सरकार। तो क्योंकि मैं अब समाजवादी में आ गई हूँ और मेरे साथ बहुत से लोगों को भी मैं लेकर आई हूँ, सैकड़ों लोग जो है वो मेरे साथ आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सभी को कहना चाहूंगी कि डरने की आवश्यकता नहीं। जितना इन्होंने जंगल राज बना दिया है, ये सभी को पता चल गया है कि बाबा से है जो वो प्रदेश संभल नहीं रहा है, क्योंकि बाबा और भारतीय जो पार्टी है, सरकार जो है, वो सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। तो बहुत जल्द ये कानपुर का नाम भी कांडपुर करने वाले हैं, लिख के रख लीजिए। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ सभी साथी है वो भी, और पत्रकार महोदय, जितने पत्रकार बंधु है, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी का हमें साथ चाहिए, सभी का हमें साथ चाहिए। जितना हो सके उतना आप हमारी न्यूज छापिएगा, जितना हो सके उतना लोगों को बताने का काम करिएगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी ने कितना कार्य किया है, और सही मायने में माननीय अध्यक्ष जी ने सबका साथ सबका विकास सही मायने में किसी ने किया है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। और मैं इतना कहना चाहूंगी सरकार से कि हम डरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से। सुनिए, हम समाजवादी लोग हैं, अब हम डरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। हम डरते नहीं है तुम्हारी एक तानाशाही की दो तलवारों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। और तुमने तो सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है ना, तो जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहा है जिस देश का अन्न तू खाता है।
तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, दंगा फसाद करवा कर घर घर जलाया है। तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दबंगई फैलाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। चीर खींचने का काम करेंगे आप, चीर खींचने का काम करेंगे दुशासन बनकर, क्योंकि भाई आपके दुर्योधन बनकर बैठे हुए हैं और पिताजी दाढ़ी बढ़ाकर जो है धृतराष्ट्र बने हुए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। और जितनी महिला नेत्रियां हैं सब आंख में पट्टी बांध कर क्या गांधारी बनी हुई है। ये क्या यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाना चाहते है, हस्तिनापुर बनाना चाहते है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते ये दर्द है, ये तकलीफ है मुझे कि इन्होंने जो वादा किया था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ कह के क्या ये चेतावनी देना चाहते थे कि भाजपा की सरकार आ रही है अपनी बेटी बचाओ। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्या तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। अरे नराधमो, एक महिला के आंचल पर तुमने हाथ डाला है। तो मैं कहती हूँ, मैं वादा करती हूँ, पूरा समाजवादी वादा करता है कि 2022 में तो क्या अगले किसी भी चुनाव में कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। क्यों, मोदी नाम का ही कोई था ना जो पैसा लेकर भागा था, मोदी नाम का था ना। तो लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, और कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को। जहर पिलाकर जाति का इन प्रदेश के परिवारों को, भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को। वो किसान जो हमारे देश की धड़कन है, जो दिल है, उन्हें लूट रहे हो। पूरी दबंगई पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है, पूरी दबंगई पूरी मक्कारी प्रदेश में बर्बादी है। सारा देश जान चुका ये हरकत भगवाधारी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो इनको वरना भभक उठेगा पूरा प्रदेश। प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो साय साय मच जाएगी, प्रदेश अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी। घमंड में इनकी हवा भी साय साय निकल जाएगी, फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। अरे नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, मैं बाबा को अब कह देना चाहती हूँ, बाबा अब आप पूजा पाठ आरती अगरबत्ती ताली थाली बजाइए। एक हमारे पास भी अब बाबा आ गए हैं, उनको राजनीति अब करने दीजिए। बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, प्रदेश की चिंता मत करो। माननीय मोदी जी कहते हैं ना कि झोला उठा के चले जाएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे, उस झोला में जनता चेक करेगी चचा, उस झोला में आप का लेके जा रहे हैं। तो बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, हम कमल का झोला और झोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती है, हम समाजवादी पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर तो भगवा और भाजपा में सब कुछ गारत गारत हो जाएगा, और साइकिल पर सवार काजल निषाद के साथ पूरा भारत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।